हाय दोस्तों, मैं हूं आप लोगों की फ्रेंड टैरोट रीडर सुजीता। और इस वीडियो में मैं आपको बोलने वाली हूं कि कैसे रहेगा आपका और आपका पति और पत्नी के साथ रिश्ता। ओके, इस वीडियो है एक जनरल रीडिंग, ये सबके लिए है। ये कोई लड़का लड़की और कोई भी मैरिड हो अनमैरिड हो कोई भी देख सकते हैं। अगर आप सिंगल हो आप तो भी देख सकते हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप ये कभी भी देख सकते हो। अब अभी देख सकते हो, अब एक साल बाद भी आके देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये कैसे होता है, सो मैं आपको चॉइस दूंगी। आपको ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3। आप एक डीप ब्रेथ लीजिए और इस तीनों पाइल में से किसी एक पाइल को चूज कीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, होल्ड इट एंड नाउ एक्सहेल, छोड़ दीजिए। आप आपके मन को शांत कीजिए और इन तीनों पाइल में से किसी एक पाइल को चूज कीजिए। अगर आपने ये पाइल चूज किया है तो आप ये पाइल नंबर 1, अगर आपने ये पाइल चूज किया है तो आप है पाइल नंबर 2, अगर आपने इस पाइल को चूज किया है तो आप है पाइल नंबर 3। मैं टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसी टाइम स्टैम्प्स में जाके खुद की रीडिंग देख सकते हैं। थैंक यू। हाय माय फ्रेंड्स, अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये पाइल, सो ये है आपकी रीडिंग। आपके साथ आपके पति या पत्नी का रिश्ता कैसा रहेगा। सो द फर्स्ट कार्ड इज स्नेक स्पिरिट, टाइम टू हील। ये है आपकी एनर्जी। और आपके पति या पत्नी का एनर्जी है द क्रो स्पिरिट, को क्रिएट विथ स्पिरिट, दैट इज नंबर 17। और आपके है नंबर 55। मुझे इन दोनों कार्ड्स में से ये एनर्जी बहुत आ रही है कि आप दोनों बहुत ही स्पिरिचुअल किस्म के आदमी हैं। आप और आपके स्पाउस, मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ, दोनों ही भगवान में और एक यूनिवर्स में, एक इटर्नल पावर में बहुत बिलीव रखते होंगे। आप बहुत ही हीलिंग पर्सन हैं। आपके साथ आपके पति और पत्नी का बहुत ही शांत पवित्र रिश्ता रहेगा। आप दोनों एक दूसरे को हमेशा रिस्पेक्ट से बिहेव करेंगे। आप दोनों के ऊपर हमेशा एक ब्लेसिंग रहेगी एंजल्स की। ये स्नेक स्पिरिट बहुत ही कहता है एक ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सनालिटी का। आप बहुत बदल जाएंगे शादी के बाद। शादी के पहले आप एक तरह के इंसान रहेंगे, शादी के बाद आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत केयरिंग, बहुत ही लविंग, बहुत ही प्रोटेक्टिंग वाइफ या हस्बैंड आप होंगे। ये आपकी एनर्जी है। स्नेक स्पिरिट और भी कहता है कि बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। कभी कभी गुस्सा आपको आता है, बट डोंट वरी, आपका जो हस्बैंड या वाइफ है जो कि क्रो स्पिरिट में है, जो कि ग्रो मतलब एक स्पिरिचुअल हीलिंग की एनर्जी में है, जिसके साथ सब लोग बहुत ही दोस्ती कर सकते हैं वेरी इजीली, सो वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। आपके साथ आपके हस्बैंड और वाइफ की बहुत ही शांत पीसफुल काम, बहुत ही हैप्पी वाला वाइब्स आ रहा है मुझे। आपके हस्बैंड और वाइफ बहुत ही पेशेंस है, आपके साथ बहुत ही धीर स्थिर से बात करते होंगे। आपके हस्बैंड और वाइफ को कुकिंग करना बहुत पसंद है। वो एक लड़का हो या लड़की, इट इज़ दे जेंडर स्पेसिफिक गाइस, उसको बहुत अच्छी तरह से कुकिंग करना बहुत पसंद होगा आपके हस्बैंड और वाइफ को। नए नए तरीके से खाना खाना, नए नए खाना पकाना, कुकिंग करना, मतलब वो ना बहुत सारी चीज़ों को लेके एक्सपेरिमेंट बहुत करते होंगे।
नया नया चीज़ दिखाना, सीखना, उसे हमेशा एक यंग एनर्जी महसूस करना अच्छा लगता है। उसे बहुत अच्छा लगता है जब आप उसको कभी कभी नई चीज़ें सिखाते हो और नई चीज़ें सीखने के लिए बोलते हो। उसको यह बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपका हस्बैंड और वाइफ हमेशा रिफ्रेशिंग रहना चाहते हैं। हमेशा उसका जो एनर्जी होगा वो बहुत ही यंग स्टार वाला एनर्जी होगा। सो वो बहुत चाहते हैं कि नहीं, मुझे अभी नहीं रुकना है, मुझे अभी भी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। और आप, वो आपको भी कहेगा कि चलो मेरे साथ चलो, ये लाइफ है, इसे इंजॉय करो। मतलब बहुत ही समझदार इंसान होगा, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होगा, आपका पूरा पूरा ध्यान रखेगा, पूरा पूरा आपका, सिर्फ आपका ही नहीं आपका फैमिली का भी वो ध्यान रखेगा। क्रो स्पिरिट से मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके हस्बैंड को ब्लैक कलर बहुत पसंद है। आपके हस्बैंड को एनीथिंग दैट इज़ ब्लैक, डार्क, रेड, मरून, ये सब कलर बहुत पसंद है। आपके हस्बैंड बहुत ही स्टेबल इंसान होगा, वो गवर्नमेंट सर्विस करता होगा और एनीथिंग जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हो वो काम करता होगा। बहुत ही वीटी है, बहुत ही बुद्धिमान है। कैसे इंसानों के साथ बात करना चाहिए ये सब कुछ उसे पता है। बहुत ही फ्रेंडली इंसान है, उसके बहुत सारे दोस्त भी हैं। आपके हस्बैंड और वाइफ खुद की फैमिली के बारे में बहुत पॉजिटिव है, आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव रहेगा। वो हमेशा अपने फैमिली के बारे में सोचता है कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे मेरे पति और पत्नी को देखना है, मेरे बच्चे के लिए ये करना है। बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में कामयाब रहेंगे वो। एंजल नंबर 55 and 17 157 बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है आपके लिए। मुझे लग रहा है कि आप उनसे, बहुत सारे लोग यहाँ ये जो वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी उनसे मिल चुके हैं और कुछ लोग नेक्स्ट ईयर मई में मिल जाओगे। नेक्स्ट ईयर मई मंथ इस 5 इज मे, जनवरी एंड जुलाई। कुछ लोग मई मंथ में, कुछ लोग जनवरी मंथ में, कुछ लोग जुलाई मंथ में अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ मीट होगा। और मई, जनवरी एंड जुलाई में भी तुम्हारा बर्थडे है जो व्यूअर है, और तुम्हारे स्पाउस का भी बर्थ मंथ हो सकता है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच ना झगड़ा ज़्यादा नहीं होगा, पर झगड़ा होगा तो सिर्फ ईगो की वजह से होगा। मतलब ईगो फाइट होता है ना, कि आपको ये डिसीजन अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उनके ऊपर एक डिसीजन दबा रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं मुझे ये करना है, और वो भी वाइस वर्सा कर रहा है। सो गाइस देखो, ये एक शादी है, शादी का मामला है, सो यू हैव टू एडजस्ट विथ ईच अदर, राइट। बट ओवरऑल ये बहुत ही पॉजिटिव, सूदिंग एंड वेरी हीलिंग एनर्जी है। वन मोर थिंग गाइज, आप दोनों के बीच ना एक बेस्ट फ्रेंड वाला रिलेशनशिप रहेगा, बहुत ही हीलिंग रिलेशनशिप रहेगा। आप दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाओगे, सब कुछ आके बोल दोगे। पता है आज ऑफिस में ये हुआ, पता है उसने ये बोला। You will tell everything to each other. आप दोनों के बीच एज का डिफरेंस होगा, या एज का डिफरेंस होगा, आप लोग सेम एज नहीं रहोगे, एक छोटा एक बड़ा, ऐसा रिलेशनशिप होगा, एज का डिफरेंस रहेगा। बट कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, वो 4-5 years, मैक्स टू मैक्स 4-5 years एंड मिनिमम 1-2 year का डिफरेंस रहेगा। बाई द वे गाइज, दिस इज टैरोट रीडिंग, सो ये मन का एज एंड फिजिकल एज दोनों एक साथ मिला के बोलते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी और कोई लड़की एज में आपसे छोटा हो लेकिन उसका जो मेंटल एज है वो ज़्यादा हो, ये भी हो सकता है।
ठीक है, बट डोंट वरी, आपसे बड़ा होगा. इफ़ यू आर अ फीमेल, आप अगर लड़की हो सो आपसे बड़ा होगा, और इफ़ यू आर अ मेल सो आपसे छोटा होगा. लड़की हुई तो छोटी होगी, अगर लड़का हो तो बड़ा होगा. ठीक है, बाय द वे बहुत ही पॉजिटिव हीलिंग एंड स्पिरिचुअल एनर्जी है. आप दोनों मेडिटेट करोगे बहुत बहुत दिन तक, मतलब बहुत दिन तक मतलब अभी स्टार्ट कर रहे होगे आप मेडिटेशन. आप लोगों को स्पिरिचुअल बातें बहुत पसंद है. ओके, ये है आप दोनों की स्पिरिट एनिमल एनर्जी. आप देखते हैं आपके रिलेशनशिप का कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस. फर्स्ट है सेटिस्फेक्शन. यू लेट द एनर्जी ऑफ लव गाइड यू टू सेल्फ अप्रूवल सो दैट अदर्स नो लॉन्गर डिफाइन हु यू आर एग्जैक्टली. आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रहेगा. आप दोनों एक दूसरे से एकदम फुलफिल वाला लव फील करेंगे, सेटिस्फेक्शन रहेगा. वाओ, और आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करोगे कि दूसरे के लव आपको खुद से पहचान करवाएगा. आप अपने हस्बैंड को उससे पहचान करवाओगे और वो आपको खुद से पहचान करवाएगा. ये बहुत ही हीलिंग कार्ड है. और कोई भी रिलेशनशिप में अगर सेटिस्फेक्शन हो ना, अगर ये कार्ड कोई भी रिलेशनशिप में आए ना, तो और कुछ नहीं, और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन कैन लीड टू एनीथिंग. सब लोग ये सेटिस्फेक्शन के लिए ही दौड़ते हैं. सो वाओ, देन योर कार्ड इज विजन. नो मैटर व्हाट यू सी द बिगर पिक्चर ऑफ अ लविंग जस्ट यूनिवर्स. यस, आप दोनों ही बहुत अच्छे ड्रीमर हो. आप दोनों में एक बहुत ही सिमिलरिटी है कि आप दोनों कोई भी चीज़ की नेगेटिव पार्ट नहीं देखते हो, हमेशा पॉजिटिव पार्ट ही देखते हो, और हमेशा ये मन में रखते हो कि नहीं, मुझे इस लाइफ में कुछ बड़ा करना है. मैंने अभी बताया ना कि आपके हस्बैंड और वाइफ को बहुत कुछ नया नया सीखने का मन है, कुछ एनर्जी को रिफ्रेश रखने के लिए बहुत न्यू लर्निंग एक स्टूडेंट वाइफ में रहते हैं. एग्जैक्टली, विजन इज आई हैव टू लर्न मोर. उसे बहुत कुछ सीखना है. आपके रिलेशनशिप में बहुत ग्रोथ है, बहुत सेटिस्फेक्शन है, बहुत विजन है, बहुत गोल है. वो होता है ना कि हम दोनों अब एक साथ स्विमिंग सीखेंगे, हम दोनों एक साथ अब हाइकिंग में जाएंगे, हम दोनों एक साथ यूनिवर्स को और नई नई तरीके से जानेंगे. सो बहुत ही सूदिंग एनर्जी है. देन आपके पास है गो द डिस्टेंस कार्ड. गो द डिस्टेंस मीन्स आई एम गेटिंग द वाइब्स दैट यू गाइस विल ट्रैवल अ लॉट. आप अपने फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ के साथ बहुत बहुत ट्रैवल करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे. बहुत फन वाला, लविंग वाला, इन्जॉय वाला ट्रैवल है. बहुत घूमेंगे फिरेंगे, और सबसे ज़्यादा घूमेंगे फॉरेन कंट्रीज़ में. एनीथिंग दैट इज़ फॉरेन टू यू, डेजर्ट में जाएंगे. बहुत सारे जगहों पे जाएंगे. और आपके हस्बैंड को ना स्पीड बहुत पसंद है. उसको हाई स्पीड पे गाड़ी चलाना, फैन हाई फुल स्पीड में लगा के सो जाना, एसी एकदम लो कर देना, बहुत तेज़ी से दौड़ना भागना. आपका हस्बैंड और वाइफ शायद बहुत तेज़ी से बकबक भी करता होगा, बहुत तेज़ी से बोलता भी होगा, बोलता और बोलती भी होगी. आपके हस्बैंड को घूमना फिरना, मज़े करना, लाइफ को एंजॉय करना, रिफ्रेश रहना, स्टूडेंट वाइब्स है, बहुत बहुत स्टूडेंट वाइब्स है. और आप उसके साथ बहुत बहुत जगहों पे घूमेंगे. देन है ऑल दैट ग्लिटर्स. वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड. इस कार्ड से मुझे ये लगता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ना वो स्पार्कलिंग एनर्जी हमेशा हमेशा बरकरार रहेगा.
वो नया नया शादी होने पर जो एक लड़की लड़के में जो एक मज़ा रहता है, एक अमेजिंग लव कनेक्शन रहता है, वो जो सबके नज़रों के सामने होता है ना, वो लव वाला कनेक्शन सबको दिखता है कि यही दे न्यूली मैरिड, या यू विल ऑलवेज बी अ न्यूली मैरिड कपल। मतलब अगर आप लोगों का 10 साल शादी हो गया और आप नहीं किसी लोगों से मिले, तो वो लोग सोचेंगे कि अभी भी शादी हुआ है, 1 और 2 साल ही हुआ है, क्या 10 साल शादी हो गया, ओह माय गॉड, दे विल गेट शॉक्ड। सबको एक चौंका देने वाला न्यूज़ होगा कि वाओ, तुम लोग 10 साल 15 साल से एक साथ रह रहे हो, बल देख के लगता है कि अभी भी शादी हुआ है। मतलब वो जो एक ग्लिटरिंग स्पार्कलिंग वाला एनर्जी होता है ना, वो हमेशा 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 बरकरार रहेगा। यही है ऑल दैट ग्लिटर्स। और मैं एक छोटा सा इसका एक नेगेटिव साइड भी है कि आप लोगों ना, आपका हस्बैंड और आपका वाइफ बहुत ही सीक्रेटिव किस्म के आदमी और औरत है, ओके, बहुत सीक्रेटिव किस्म के। बट डोंट वरी गाइस, ये कोई आपको आपके साथ ये कोई बुरा नहीं करेंगे, बट इसका ये नेचर है कि थोड़ा सीक्रेटिव है, बहुत प्राइवेट है। लाइक कुछ कुछ चीज़ें अगर उसको बुरा लग गया है तो वो आपको नहीं बोलेंगे, वो अपनी मन ही मन रख लेंगे। सो ये थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। और जो वाव और जो फाइनल कार्ड है, वो है सोलमेट्स कार्ड। गाइस यस, लुक एट द पेंगुइन्स, हियर इज हार्ट and your husband, this is your husband, that is heart, and this is you, you are holding the key, aapke paas ye is taale ki chabi hai, aapke husband ki dil sirf aap hi khol sakte hai, you got the soulmate card, ye aap dono hai, maine kaha na, ek bahut hi soothing, calming, peaceful relationship hai, and dekhiye, ये है 441 नंबर का, दैट इज 4+1=5। सो मे मंथ बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, मे मंथ। और अभी है अक्टूबर, सो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 months फ्रॉम नाउ। सो मार्च एंड मे बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ है आप लोगों के लिए, बर्थ मंथ हो सकते हैं और आप लोग शायद उसी मंथ में मिल सकते हो। और आपके हस्बैंड को ना ब्लू कलर की ड्रेस बहुत पसंद है, ब्लू कलर की ड्रेस उसे बहुत पसंद है, हस्बैंड और वाइफ जो भी है, आप लोग सोलमेट है गाइस। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। थैंक यू पाइल नंबर 1, थैंक यू, बाय। हेलो दोस्तों, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 इस टेक को चूज़ किया है, वो है पाइल नंबर 2, तो चलो देखते हैं आपके साथ आपके पति या पत्नी का कैसे रिलेशनशिप रहेगा। ये है आपकी एनर्जी पाइल नंबर 2, आप लोग व्यूअर की एनर्जी, पॉर्क्यूपाइन स्पिरिट, टाइम फॉर बिगिनर माइंड, दैट इज कार्ड नंबर 48। वाओ, ये है आपकी फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ की एनर्जी, वह है स्कैरब बेटल स्पिरिट, मैजिक वर्क्स थ्रू यू, कार्ड नंबर 52। वाओ, सो कैन यू फील दैट मैजिकल कार्ड, वाओ, योर हस्बैंड और वाइफ इज सो मैजिकल। अच्छा तो चलो ठीक है जी, आप मुझे बोलने दो कि आपके साथ आपके पति या पत्नी का रिश्ता कैसा रहेगा। वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखें तो इसके अंदर आपको एक ग्रीन दैट इज कूलर साइड और एक रेड दैट इज हॉटर साइड, आपको ये दोनों दिखने को मिलेगा। तो मुझे ये ट्विन फ्लेम एनर्जी, वाटर एंड फायर की एनर्जी लग रही है। आप एक वाटर साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, मतलब कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि के लोग हैं, और आपके जो हस्बैंड और वाइफ है वही फायर एनर्जी, एरीज, सजिटेरियस एंड लियो, मेष, धनु या सिंह राशि के हो सकते हैं।
कोई भी राशि और कोई भी जोड़िया के हो सकते हैं, लेकिन ये जो एनर्जी है ये इन लोगों में ज्यादा होगा। आप दोनों के बीच एक बहुत ही चमत्कार वाला रिलेशनशिप रहेगा। और आपके जो स्पाउस है, मतलब आपके जो हस्बैंड और वाइफ है, वो आपसे छोटा होगा। अगर आप लड़की हो फिर भी आपके जो हस्बैंड है वो आपसे छोटा होगा। और अगर आप एक लड़की ये वीडियो देख रहे हो तो आपके जो वाइफ है वो भी आपसे छोटी होगी, ठीक है। आप बहुत ही ट्रेडिशनल इंसान हैं। पहले तो मुझे ये आपकी कार्ड से दिख रही है कि आप बहुत ही द व्यूअर, आप लोग बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म के आदमी हैं। आप लोगों को बहुत ट्रेडिशनल चीज़ें, ट्रेडिशनल कपड़े पहनना, बहुत ही अपने ट्रेडिशन को आगे ले जाने का बहुत ही एक इच्छा है। मन की जो कामनाएं होती है वो इनमें है। और आपके जो हस्बैंड और वाइफ है वो बहुत ही फैंसी है, बहुत ही एंजल फेरी टेल में बहुत बिलीव रखते होंगे। आपके हस्बैंड और वाइफ को ना वो डे ड्रीमिंग करना उसको बहुत पसंद है। वो डे ड्रीमिंग करना, वो सपने देखना, सपने को सजाना। आप दोनों की शादी ना बहुत ही फैंसी तरीके से होगा। आपके शादी के दिन बहुत ही ट्रेडिशनल होगा, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से ब्राइड एंड ग्रूम का शादी होगा। लेकिन जो रिसेप्शन होगा ना, सो वो बहुत ही फैंसी फेरी टेल वाला रिलेशनशिप होगा, सेलिब्रेशन होगा। आपके हस्बैंड और वाइफ बहुत ही स्टाइलिश कपड़े पहनना, स्टाइलिश हेयर कट एंड हेयर कलर करना, बहुत ही उनको ना बहुत ही हंटर शू, वो जो होता है ना नी लेंथ शूज़ एंड बहुत ही हाई लेंथ शूज़, वो एंकल लेंथ शूज़ उसको पहनना बहुत पसंद होगा। उसको बूट पहनना, वो बूट के साथ लेदर जैकेट पहनना, मतलब वो जो हंटर लुक होता है ना वो आपके हस्बैंड को बहुत ही पसंद होगा। आपके हस्बैंड को मॉडर्न चीज़ें विंटेज तरीके से पाना बहुत अच्छा लगेगा। मतलब मॉडर्न है लेकिन उसके साथ एक ट्रेडिशनल टच है। आपके हस्बैंड को बहुत अच्छा लगेगा वो सब ड्रेसेस एंड वो सब इंसान। इसीलिए आपके हस्बैंड इतनी मॉडर्न है फिर भी उसने आपके जैसे इतने ट्रेडिशनल पर्सन से प्यार किया, क्योंकि उसको ना मॉडर्न के साथ ट्रेडिशनल थिंग्स की जो मिक्सचर होता है वो बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। और आपके हस्बैंड का जो आईज़ है वो बहुत ही शांत, बहुत ही कूल, काम एंड शार्प आईज़ होगा। मुझे बहुत ही वाइब्स आ रहा है कि आपके हस्बैंड आपसे बहुत दूर रहता है, बहुत दूर रहता है। आप दोनों की जो घर है ना वो एक दूसरे से बहुत ही दूर होगा। मतलब आपको ट्रैवल करके इन लॉज के घर जाना पड़ेगा और आपके हस्बैंड और वाइफ को ट्रैवल करके उनके इन लॉज के घर आना पड़ेगा। आई एम सीइंग द ट्रैवलिंग थिंग्स, वेरी 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 ट्रैवलिंग। और आपके और आप मीन्स यू द व्यूअर, आप बहुत ही ज़्यादा गार्डेड इंसान हो। आप किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाते हो, लेकिन आपके जो हस्बैंड है वो बहुत ही इतना फ्रेंडली है, इतना ब्यूटीफुल एनर्जी है उनकी कि आप झट से उसको अपना दोस्त बना लिया और ये दोस्ती से ये शादी आ गई। और मुझे ये वाइब्स बहुत आ रहा है कि आप लोग ना किसी ऑनलाइन मीडिया में, किसी थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिले हो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, बहुत सारे ऐसे अलग अलग, मुझे सारे नाम नहीं पता है गाइस, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, रेडिट है बहुत ही पॉपुलर। सो आप ऐसे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन डेटिंग साइट से एक दूसरे के साथ मिले हो और किसी के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू और फैमिली मेम्बर्स के थ्रू में मिले हो, मतलब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप दोनों आते हो एंड मिलते हो, क्योंकि आप दोनों ही बहुत दूसरे जगह से, आप दोनों ही ऐसे हो। क्योंकि अगर आप ये देखो, पॉर्क्यूपाइन स्पिरिट ये किंतु ये
एकदम ग्राउंडेड, एकदम अर्थ में रहता है. दिस इज एन एनिमल, ये अर्थ में रहता है, दिस इज अ मैमल. और ये जो है, ये बिटल स्पिरिट है, ये हमेशा उड़ उड़ के रहता है, या हमेशा खुले आसमान में उड़ता है. सो यू नो, आप दोनों ना एकदम दूसरे जगह से हो, लेकिन कोई एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इन दोनों एनर्जी एक साथ आ रहा है. सो आई एम गेटिंग द एनर्जी दैट कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप दोनों आते हो एंड और एक साथ मिलते हो और एक दूसरे को अच्छी तरह से पहली मुलाकात में ही बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो एक दूसरे को. आपके कार्ड के नंबर है 48, 4 प्लस 8 इज 12, सो दैट इज 3, एंड दिस इज 5 प्लस 2 इज 7, सो 7 प्लस 3 इज 10. सो आप दोनों एक साथ जब आते हो ना, तो एक कॉम्प्लीशन, एक राउंड फिगर आता है 10. ये आपका एनर्जी है 3, ये आपका एनर्जी है 7, आपके हस्बैंड और वाइफ का. सो आप दोनों जब एक साथ आते हो तो 10 के 10 आता है. सो आप दोनों ना एक दूसरे के पजल सॉल्व जैसा कुछ फीलिंग है, लाइक ये है आपका हार्ट, ये है उसका हार्ट, और आप दोनों जब एक साथ आते हो तो तब एक हार्ट होता है. तो ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है. मुझे ना ये बहुत ही ट्विन फ्लेम वाला एनर्जी लगता है. और आपका जो हस्बैंड होगा उसे बहुत ही अच्छी तरह से कम्युनिकेशन करना आता है, बहुत ही अच्छी तरह से वो बोलता है और बोलती है. आपका हस्बैंड और वाइफ बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर है. वो बहुत अच्छा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी बजाता होगा, गिटार, पियानो, एनीथिंग रिलेटेड टू म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा बजाता होगा. वो गाना भी अच्छा गा लेता है. बहुत ही आर्टिस्टिक एनर्जी मुझे इसमें आ रही है. बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन में रहता है, बहुत ही ज़्यादा इमेजिन करता है सब कुछ, और आपको भी वो इमेजिन करता है बहुत सारे ड्रेस में, बहुत सारे हेयर कट में, हेयर कलर में, कि आपको ये कैसा लगेगा. ये ऐसा एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है. आप दोनों के बीच थोड़ा थोड़ा झगड़ा होगा, और वो झगड़ा भी होगा थर्ड पर्सन को लेकर. आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बट थर्ड पर्सन को लेकर थोड़ा थोड़ा झगड़ा हो सकता है. बट झगड़े की बात ना, वो आपके पास आएगा और आके प्यार से आपके गाल पे किस करके बोलेगा कि सॉरी जान. मतलब बहुत ही क्यूट एनर्जी है, बहुत ही चाइल्डिश एनर्जी है आप दोनों के पास. आप दोनों बहुत ही क्यूट एनर्जी से बिलोंग करते हो, और आप दोनों बहुत खुश रहोगे इस मैरिज के. मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो मदर इन लॉ होंगे, जो व्यूअर, वो शायद उसको शायद थोड़ा सा दिमागी प्रॉब्लम हो सकता है. दिमागी प्रॉब्लम इस नहीं, वो पागल नहीं होगा, लेकिन उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, कुछ भी बोल देता है, फिर आके सॉरी भी बोलता है, सॉरी भी बोलती है. सॉरी गाइस, सॉरी भी बोलती है. सो यू नो, कोई बात नहीं. सारे इन लॉज वाले सबको, सबके पास आप बहुत ही प्यारी लड़की बनकर रहोगी, बहुत ही रिस्पेक्ट मिलेगा आपको इन लॉज फैमिली से. और मुझे ये बहुत वाइब्स आ रही है कि पैसा बहुत है इन लोगों के पास. आपके इन लॉज बहुत बहुत रिच है, बहुत रिच है. फिर आपके पास आता है फ्रीडम. वाओ, यू आर रिलीजिंग एनी सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस और परसीव्ड लिमिटेशंस थ्रू द लविंग एनर्जी ऑफ ओपननेस. सो जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया कि आपकी जो ये एनर्जी है, पॉर्क्यूपाइन एनर्जी, ये बहुत ही ट्रेडिशनल है. बहुत ही ट्रेडिशन को हमेशा अकड़ के बैठ जाता है कि नहीं, मुझे यही करना है, मेरे ट्रेडिशन में यही हो रहा है, तो मुझे यही करना है, मुझे इससे बाहर नहीं निकलना है. लेकिन आफ्टर मैरिज यू विल चेंज. आपको तब पता लगेगा कि नहीं, मैं हमेशा रूल मुझे नहीं चेंज कर सकता. देयर इज़ फ्रीडम. आपके पास फ्रीडम रहेगा शादी के बाद. आप समझोगे कि फ्रीडम, एक स्वतंत्रता क्या होती है, आपको पता चलेगा. और आप ये समझोगे कि हाँ,
पिछले बार जो ट्रेडिशन के नाम पे मैं जो कह रही थी वो असल में रिस्ट्रिक्शंस था, वो मेरे पावर को लिमिट कर रहा था, लेकिन अभी मैं लिमिटलेस पावर को एंजॉय कर सकती हूँ और ये है फ्रीडम, ये है लविंग फ्रीडम। आप लोगों के रिलेशनशिप में ना बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है, बिकॉज आई टोल्ड यू गाइस ये ना एक ट्विन फ्लेम एनर्जी है। और फिर देखो आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट है, अगर ये ट्रस्ट कोई भी रिलेशनशिप में आए ना तो वो रिलेशनशिप अनब्रेकेबल हो जाता है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू योर सोल्स लविंग वॉइस एंड हैव फेथ इन योर इंट्यूशन। एकदम आप दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है, बिलीव है, आप एक दूसरे को बहुत बहुत विश्वास करते हो, एक दूसरे को बहुत बिलीव करते हो, बहुत ट्रस्ट है इस रिलेशनशिप में। अगर ट्रस्ट को रिलेशनशिप में है ना तो वो रिलेशनशिप कभी भी नहीं टूटता है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, बहुत ही बड़ी एनर्जी है। देखो फिर ओरेकल कार्ड से है फोर्क इन द रोड। ओके सो मुझे ये इस कार्ड से ये वर्ड आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप, तो मैंने पहले ही कह दिया था कि कोई ऑनलाइन मीडिया में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में होगा, सो कोई इस रिलेशनशिप को ना तोड़ने की कोशिश करेगा, लाइक फोर्क इन द रोड, एक रोड एक रास्ता, बहुत ही अच्छा सा रास्ता है। और कोई ऐसे मंकी क्या देख रही हो, एक मंकी, ये मंकी आएगा और आपको ना, आप ये हॉर्स हो और आपके हस्बैंड ये आउल, सो ये जो मंकी है ना वो आपको ये कौन सी रास्ते में जाना है उसको लेके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। बट डोंट वरी, यूनिवर्स है, एंजल्स है, गॉड है आपको गाइड करने के लिए। तो इससे ये थोड़ा वार्निंग वाला कार्ड है, आपको ध्यान रखना होगा कि किसी की भी बात को ना ज़्यादा दिमाग पे मत लो। अगर कोई कहता है कि ये लड़का या ये लड़की ठीक नहीं है, उसके बाद पहली फुर्सत में मत मानो, मत सुनो, खुद समझो, खुद पहचानो, फिर कोई डिसीजन लो। सो ये है, इससे दूर रहो। फिर है, यस फिर देखो ना कार्ड आ गया है ब्रीथ का। ऑफ कोर्स अगर आपको ऐसे कोई मिसगाइड कर रहा है, आपको कौन सी रास्ते में जाना चाहिए, अगर ये आपको मिसगाइड करना है तब आपको यूनिवर्स पे बिलीव रखना है, गॉड पे बिलीव रखना है और जस्ट ऐसे बैठ के ब्रीथ लेना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इनहेल एक्सहेल। दिस ब्यूटीफुल कार्ड, कैन यू सी दैट कार्ड, वाओ। ये लड़की, ये एक्चुअली आप ही, आपकी एनर्जी है, देखिए एंजल है, विंग्स भी है इसके पास। सो आपको ऐसे ब्यूटीफुल तरीके से स्थिर होना है और अपने मन को, मन से पूछना है कि मुझे क्या करना चाहिए। और क्योंकि आपके जो इंट्यूशन पावर, ये बहुत ही पावरफुल रहने वाला है, आपका मन कह देगा कि यही है मेरा जीवन साथी, इसी के साथ मुझे जाना है, आपके मन से ये पुकार आएगा कि हाथ उसके थाम लो। एंड देन यू गॉट द पॉइज्ड कार्ड, पॉइज इज अ ब्यूटीफुल कार्ड, लुक। ये आप दोनों की रिलेशनशिप की एक इमेज है और आप दोनों एंजल से ऐसे हाथ फैला के ब्लेसिंग्स मांग रहे हो और एंजल्स देखो स्टार की तरीके से, स्टार के रूप में आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल कार्ड्स। आप लोग एक ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, आपके साथ आपके जो हस्बैंड और स्पाउस है उन दोनों की बहुत ही डिस्टेंस होगा, फिजिकल डिस्टेंस में अभी हो, तुम दोनों अभी भी मिले नहीं हो, बहुत दूर रहता है, किसी और कंट्री से भी हो सकता है और आपके कंट्री के भी हो सकता है, लेकिन दूर दूर रहते हो आप दोनों के, मतलब बहुत ही डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंस है। ओके और आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ही ब्लेसिंग्स है, बहुत ही खुश है, बहुत लोग जेलस होने वाला है इस रिलेशनशिप को देख के, बहुत लोगों को लगने वाला है कि क्यों यार इन लोगों के साथ ही क्यों ऐसा अच्छा होता है, हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, बहुत ही जेलस फील करने वाले, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को इतने ट्रस्ट करते हो, इतना फ्रीडम देता है आपका इन लॉज आपको कि सबको लगता है कि मेरा इन लॉज तो ऐसा कभी नहीं करता है, मेरा फैमिली तो ऐसा मुझे कभी फ्रीडम नहीं देता है। सो एवरीवन इज गोइंग टू बी जेलस विथ यू गाइस। एंड और मुझे ये बहुत ही फीलिंग आ रही है कि आपके और आपके हस्बैंड को ना अप्रैल और मार्च मंथ में मीट हो सकते हैं, अप्रैल मार्च ऐसे मंथ को। और अभी भी तुम लोग गाइस अभी भी हस्बैंड से नहीं मिले हो, हस्बैंड और वाइफ से, फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ से, इस साल और अगली साल तक आप मिल जाओगे। अभी भी 1 ईयर आपको वेट करना पड़ेगा, बट डोंट वरी, यू दिस वर्थ इट।
अगर आप विट करोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 ने चूज़ किया है, इस डेक को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग तुम लोगों के लिए है गाइस। कैसा रहेगा तुम्हारे साथ तुम्हारे पति और पत्नी का रिश्ता, ठीक है? तो चलो रीडिंग शुरू करते हैं। आपकी एनर्जी है द व्यूअर, आप लोगों की एनर्जी है स्पाइडर स्पिरिट, मेक योर ड्रीम्स रियल। वाओ, तुम लोग जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हो, तुम लोग एक मैनिफेस्टर हो। आप लोग खुद के सपनों को बहुत ही एक प्रैक्टिकल रूल और प्रैक्टिकल विजन की तरह एकदम रियलिटी में बदल सकते हो। आप लोग खुद के सारे सपनों को पूरे करने की हिम्मत रखते हो। और आपका हस्बैंड जो है, और हस्बैंड और वाइफ जो है, वही ये बैड स्पिरिट में आर, रीबर्थ इज अश्योर्ड। अच्छा, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि बैड स्पिरिट जो है ना, वो हमेशा उल्टा रहता है। मतलब अगर आपको तुम इस कार्ड को उल्टा करते हो तो तुम्हें ये बैड सीधा दिखता है, अगर ये कार्ड उल्टा रहता है तो आप इसे उल्टे में, सीधा रहता है तो आप इसे उल्टे में देख सकते हो। एंड ये कार्ड नंबर 5, 5 इज द नंबर ऑफ चेंजनेस। बहुत बदलाव है आपके हस्बैंड और वाइफ में। आपके हस्बैंड और वाइफ ना बहुत ही एक नए तरीके से दुनिया को देखते हैं। इसे ट्रेडिशनल टैरोट टेक में हैंगमैन की कार्ड के रूप में भी दिखा जाता है। ये बैड स्पिरिट जो है ना, ये बहुत ही एक रेबेलियन तरह की एनर्जी है। ये सारी दुनिया की चीज़ को एक नई तरीके से देखना पसंद करते हैं। अगर सब लोग एक इंसिडेंट को, एक चीज़ को एक तरफ से देखता है, तो आपके हस्बैंड और वाइफ ना उसको पूरी दूसरी तरीके से देखना पसंद करता और करती है। आपके हस्बैंड के पास ना बहुत सारे न्यू आइडिया से, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, जिसके हिसाब से तुम्हारा हस्बैंड लाइफ में डिसीशन लेता है। और हमेशा कहता है कि नहीं, दूसरों के बात मत सुनो, खुद देखो, खुद समझो, फिर वो डिसीशन लो। मतलब एक कितनी अच्छी एक सोलमेट वाला वाइब्स मुझे मिल रहा है। देखो, तुम लोग ड्रीम्स देखते हो और ड्रीम्स को रियल करने के लिए उसके लिए प्लान करते हो, उसके मुताबिक आप लोग प्लान करते हो, आप लोग प्रैक्टिकल डिसीशन में रहते हो कि नहीं, मुझे ये करना है तभी मैं आपके सपनों को पूरी कर सकूंगी। और आपके जो हस्बैंड है वो ना आपके वो प्लानिंग को और भी रिफ्रेश करेगा, और भी रिफाइन करेगा। मतलब एकदम एक दूसरे के बिना अधूरा है। आप लोग ना एक दूसरे के साथ ही बने हो, यू गाइस आर मेड फॉर ईच अदर। मतलब आप सपने देखते हो, सपने को पूरी करने के लिए एक प्लान भी बनाते हो, और आपके हस्बैंड और वाइफ आता है और आपको बोलता है कि नहीं जाना, आप अगर ये ऐसे करना चाहते हो तो देखो ये प्रॉब्लम हो सकती है, यू शुड गो फॉर दिस वे। सो आपका कोई भी डिसीशन ना, वो बहुत अच्छी तरीके से उसे चेंज करके, उसे और भी रिफाइन करके, उसे और भी स्ट्रॉन्गर बना देता है। इसलिए ना आप दोनों जब एक साथ कोई बिजनेस ज्वाइन करोगे, कोई भी काम करोगे, तो उस काम पे बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलने की संभावना है। आप लोग एक साथ एक कंपनी भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ना ये वाइब्स बहुत दिख रहा है कि एक एंटरप्रेन्योर की, एक ऐसी व्यवसाय की जो कि आप दोनों एक साथ स्टार्ट करोगे और बहुत ही तरक्की करोगे। आप दोनों एक साथ शायद यूट्यूब चैनल खोल रहे हो, और शायद कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। बिजनेस है जो कि बहुत ही एक आर्टिस्टिक बिजनेस हो सकता है, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे देखो कुछ पर्ल्स है, यहाँ पे एक पर्पल पर्ल है, यहाँ पे वाइट पर्ल है, और जैसे कि तुम्हें देख रहे हो कि एक स्पाइडर है, और स्पाइडर के काम ही है बहुत ही समय से, बहुत ही पेशेंट लेके
ये जो उनके नेट है वो बनाती है ये स्पाइडर। सो इस स्पाइडर एनर्जी ना बहुत ही हार्ड वर्किंग एनर्जी, बहुत ही ना पेंटिकल हार्ड वर्किंग एनर्जी है। सो आप बहुत ही मेहनत करके वो प्लान बनाते हो और आपके जो स्पाउस है वो उस मेहनत को देख के उसको एक अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं, मैं अपनी वाइफ और हस्बैंड की मेहनत को ऐसे पानी में नहीं बहने दूंगी, मैं अच्छी तरह से प्लान बनाऊंगी। अगर लोग ऐसे सोचते हैं तो मैं दूसरी तरीके से सोचूंगी और मैं अपनी वाइफ की जो हार्ड वर्किंग है उसे रियल में बहुत ही अच्छी तरीके से सबके सामने रिप्रेजेंट करूंगी। सो आप दोनों ना एकदम बिजनेस पार्टनर की तरह पेश आओगे सबके सामने, सोसाइटी ना सोसाइटी में आप दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी रहेगी, बहुत अच्छी जोड़ी जमेगी। आप जो आप लोग जब कोई पार्टी में जाओगे और कभी किसी दोस्त के घर जाओगे तो सब बोलेंगे जी ओ माय गॉड यू गाइज आर लाइक राम सीता शिव पार्वती और यू गाइज लाइक राम एंड लक्ष्मण। मतलब समझ रहे हो ना, द जोड़ीज, मतलब इतना अच्छा जोड़ी रहेगा कि आप लोग एक साथ कुछ भी कर सकते हो। मुझे ना ये बहुत ही बिजनेस माइंडेड पार्टनरशिप लग रही है। आप बहुत बिजनेस माइंडेड हो, आप बहुत ज़िंदगी में बड़ा होना चाहते हो, बहुत सारे पैसा कमाना चाहते हो और आपके हस्बैंड और वाइफ भी एक ही माइंडसेट से आ रहा है और आ रही है और आप दोनों में ना बहुत बहुत सारी डिफरेंसेस रहेगी, लाइक कल्चर डिफरेंसेस, स्किन कलर डिफरेंसेस। ऐसा होगा कि आप दोनों ना, हो सकता है कि आप एक स्टेट से हो, आपके हस्बैंड दूसरे स्टेट से है पर वो आपके स्टेट में रहता है और आप अलग स्टेट से हो, आपके हस्बैंड अलग स्टेट से है और आप आपके हस्बैंड के स्टेट्स में रहते हो। तो ऐसा डिफरेंसेस हो सकती है। और अगर तुम मनी के हिसाब से देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास कितना मनी और तुम्हारे हस्बैंड के पास कितना मनी है, तुम लोग एक साथ मिलके ना बहुत पैसे कमाओगे। मतलब इतने पैसे कमाओगे कि दोनों ना बहुत खुशी से ज़िंदगी बिताओगे, बहुत खुशी से, कोई भी गम नहीं रहेगी। देयर इज मनी, मतलब मैंने जो भी ये तीनों पाइल किया है वो तीनों पाइल ना बहुत हैप्पीली मैरिड लाइफ मुझे दिखी, कोई भी परेशानी नहीं देखी। और मुझे सबसे फेवरेट है ये थर्ड पाइल, क्योंकि इसमें ना बहुत अच्छी एक मेहनत है, मनी है, बहुत ही सब सपना पूरा होने का एक बहुत अच्छा इंगित देता है, क्योंकि स्पाइडर स्पिरिट मेक योर ड्रीम रियल एंड देन अ रिबर्थ इज एश्योर्ड। मतलब इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप है। और इसलिए पता है क्यों मैं इतनी कह रही थी, क्योंकि आपके लिए ना ये पाइल से तीन कार्ड आए हैं। पहले कार्ड है लॉयल्टी। सोचो अगर किसी रिलेशनशिप में लॉयल्टी हो, मतलब योर रिलायबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट्स योर लविंग सेंस ऑफ डिवोशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बीइंग। इसीलिए देखो लॉयल्टी है इस रिलेशनशिप में। आप आपके पति पर बहुत सा ज़्यादा लॉयल हो, आपके पति आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लॉयल है, एक दूसरे के ऊपर एक अलग ही प्यार है, एक अलग ही लॉयल्टी है। मतलब आप दोनों एक साथ बिजनेस करते हो, आपके वाइफ अलग बिजनेस करता है और आप खुद अलग बिजनेस करते हो, आपके हस्बैंड अलग बिजनेस करता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही लॉयल कार्ड है। आप देख सकते हो ये लॉयल्टी कार्ड, वाओ ब्यूटीफुल लॉयल्टी कार्ड। देन है इंडिविजुअलिटी। यू लीव योर यूनिक स्टैम्प ऑन ऑफ लव ऑन एवरीथिंग यू डू। एक्जैक्टली मैंने अभी कहा कि देखो इंडिविजुअलिटी मतलब शादी के बाद भी आपका यूनिकनेस और शादी के बाद भी आपका हस्बैंड और वाइफ का यूनिकनेस बरकरार रहेगा। आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, आपके हस्बैंड और वाइफ जैसा है वैसे ही रहेगी और आप दोनों एक साथ मिलके बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। आप लोग एक साथ घुल मिल के एक नया थिंग क्रिएट करोगे। लुक इंडिविजुअलिटी क्यों है, क्योंकि स्पाइडर कभी बैट नहीं हो सकता, बैट कभी स्पाइडर नहीं हो सकता, लेकिन स्पाइडर और बैट एक दूसरे को बहुत बैलेंस करता है। आपका रिलेशनशिप बहुत बैलेंसिंग है,
आप एक दूसरे को बैलेंस करते हो, आप एक दूसरे को बोलते हो कि अगर आप ये सपनों को पूरा करना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा, और आप इन्हें बोलते हो कि अगर आप ये करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ड्रीम देखना पड़ेगा कि आपको आपको चाहिए क्या। तो आप दोनों के बीच ना शादी के बाद भी कोई चेंज नहीं आ गया, मतलब आप दोनों की शादी हो जाएगी बट आपको लगेगा नहीं कि शादी हुआ है, मतलब आप लोग सेम सेम हैं। लेकिन बहुत ही सपोर्टिंग एनर्जी मुझे लग रही है। और देखो ये कर रहा है जॉय, ये ऑफ कोर्स आप लोगों की शादी में, शादी के बाद और इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस होगी, बहुत ही ज़्यादा जॉय होगा। यू डिलाइट इन द लव ऑफ लाइफ एंड ब्रिंग अ स्पिरिट ऑफ फन टू ऑल दैट यू डू। एग्जैक्टली, देखो इन दोनों कार्ड में ही ना आपके जो काम है उस काम के ऊपर आप दोनों की जो रिलेशनशिप है उसका एक अलग ही साया रहेगा। लाइक आप लोग जो भी काम करते हो ना उस काम के ऊपर आप दोनों की लव बहुत आएगी। आप दोनों को एक क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हो, बहुत ही क्रिएटिव हो आप दोनों। देखो अब नेक्स्ट कार्ड है हियर एंड नाउ, दिस इज़ पास्ट, दिस इज़ फ्यूचर एंड दिस इज़ द प्रेजेंट टाइम। आपकी फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ ना बहुत प्रेजेंट मोमेंट में रहना पसंद करते हैं। आपके फ्यूचर हस्बैंड और स्पाउस को ये लगता है कि प्रेजेंट मोमेंट में ही हम लोग कुछ मैजिक कर सकते हैं, अगर हम लोग प्रेजेंट मोमेंट को चेंज कर दिया तो हमारा फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा। मतलब वो ना खुद के लाइफ, खुद के ज़िंदगी खुद बनाना जानते हैं, इसलिए ना वो ज़्यादा पास्ट में की हुई गलती की सज़ा खुद को नहीं देते और तुम्हें भी नहीं देंगे। फ्यूचर में क्या होगा वो लेकर ज़्यादा सोचता भी नहीं है। तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड और स्पाउस ना बहुत प्रेजेंट मोमेंट में रहता है और वो ये मानता है कि अगर मैं प्रेजेंट में अच्छी रहूँ ना, अच्छा रहूँ कि अच्छी रहूँ तो मेरा फ्यूचर अच्छा होने वाला है। अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता मेरे फ्यूचर को, क्योंकि मैं अभी ऑनेस्ट हूँ, मेरे साथ फ्यूचर में भी फ्यूचर मेरे साथ ऑनेस्ट रहेगा। क्योंकि वो ना बहुत बुद्धिज़्म में बिलीव करता है, बहुत ही वो मोमेंटरी थ्योरी है ना जो कहता है कि एक एक मोमेंट अगर चला गया तो वो दूसरे टाइम पे नहीं लौट आएगा। तो ये ना तुम्हारा हस्बैंड ना ये बहुत ही बिलीव करता है। फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में है पीस कार्ड। ये पीस कार्ड मुझे बहुत ही कहता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा शांति, पवित्रता, ऑनेस्टी, लॉयल्टी बहुत रहेगा। आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत बैलेंस रहेगा स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में। तुम्हें ये एक दिख रहा है, ये एक कहता है कि आप दोनों के एक साथ बच्चे होंगे, बहुत सारे होंगे, मुझे लगता है एक तो होंगे ही होंगे, और मुझे तो टू बेबीज़ लग रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक एग है, यहाँ पे भी एक एग है। सो मुझे लगता है कि आप दोनों के दो बेबीज़ हो सकते हैं, वन बॉय और वन गर्ल। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। यहाँ पे मुझे डव दिख रहा है जो कि एक पत्ते को लेके जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में ना बहुत सारी दुआएं होंगी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स होगी। आपके जो मदर फादर और मदर इन लॉ, फादर इन लॉ है, वो आप दोनों को लेके बहुत बहुत खुश रहेंगे और आप दोनों को ना आगे जाने के लिए वो लोग फिनेंशियली भी हेल्प करेंगे। आप लोगों के जो फ्रेंड्स है वो भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और मैं तो कहूँगी हमेशा ना प्रेजेंट मोमेंट पे रहिए जैसे कि आपके हस्बैंड रहता है, और हमेशा सोचिए कि आप इस स्पाइडर स्पिरिट एनर्जी में हैं जो कि खुद के सपने को पूरी करने की पूरी पूरी पावर है आपके पास। सिर्फ सपने ही मत देखिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसे सच्चाई में बदलने के लिए कुछ प्लानिंग की ज़रूरत होती है, तो वो प्लानिंग भी कीजिए और चिंता मत करो। वो प्लानिंग को सक्सेसफुल करने वाला तो आ ही रहा है आपका हस्बैंड, वो है बैड स्पिरिट पर रिबर्थ इज एश्योर्ड। आपका हस्बैंड ना आपके जैसा ही थे पास्ट में, आपके शादी के पहले आपके हस्बैंड ना आपके जैसा ही थे, इसलिए आपके हस्बैंड को ना पता है कि ये सब ड्रीम फुलफिल करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है। सो आपके हस्बैंड बोल सकते हैं कि आपके एक बहुत ही बढ़िया सोलमेट है, बहुत ही एक हायर सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच,
और बहुत ही ज़्यादा प्यार मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ही लॉयल्टी मुझे नज़र आ रहा है। आप तो ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और सब लोग ना ये देख के हैरान हो जाते हैं कि एक हस्बैंड और वाइफ किस तरह से एक दोस्त की तरह कंधों पे कंधे मिला के आगे बढ़ रहा है, आगे ऐसे बिजनेस कर रहा है। ये बहुत ही बड़ी एनर्जी है गाइस। मुझे और एक कार्ड पुल करना है टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप मोर, कि कैसे कोई नेगेटिव साइड है या नहीं, ठीक है? क्योंकि मुझे अभी तक कुछ नेगेटिविटी नहीं दिखाई दिया तुम्हारे रिलेशनशिप में। ओके, सो ये कार्ड आ गया है वाई कार्ड। सो ये नेगेटिव एस्पेक्ट के लिए ये कार्ड आया है। वाई कार्ड का मतलब है कि आप दोनों ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, बहुत ज़्यादा पूछोगे कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। तो आपके जो हस्बैंड और वाइफ है ना, उसको ना ये पसंद नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स सबको तो सब कुछ पसंद नहीं आता है, बट आप जब हमेशा पूछते रहते हो कि ये कौन था, वो कौन था, ये किसने फ़ोन किया, वो किसने फ़ोन किया, तुमने यूँ क्यों, यू ये काम क्यों नहीं किया, तुम्हें वो करना चाहता। अब जब ऐसी तरह की क्वेश्चन उसे करते हो ना, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। सो इसका मतलब यही है कि आपके हस्बैंड को ना खुद ब खुद बोलने दो कि देखो, इसने मुझे ये कहा था, मैंने ये कहा, इसने मुझे कॉल किया था, यहाँ पे मैं गई थी और वहाँ पे मैं गई थी, उसे फर्स्ट आने दो। तुम ना खुद ब खुद मत पूछो कि ये क्या हो रहा है, उसे पूछने दो, उसे बोलने दो खुद ब खुद। क्योंकि भूलो मत कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो तुम्हारा पास्ट है। मतलब तुम्हारा हस्बैंड अभी इस एनर्जी में है, लेकिन एक वक्त था जब वो तुम्हारे एनर्जी में था। तो इसलिए तुम्हारे अंदर जो हो रहा है उसे पता है। इसलिए वो जब पुराने चीज़ बार बार होता है ना, तो वो बहुत ही अनॉय फील करता है, बहुत ही गुस्सा आ जाता है उन्हें। सो बार बार मत पूछो कि कहाँ थे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। जस्ट पीस, जस्ट काम डाउन। ओके, बहुत ही बढ़िया रीडिंग था। तुम्हारे रिलेशनशिप में यूनिकनेस है, लॉयल्टी है, ट्रस्ट है, और बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी रिलेशनशिप है, एंड बहुत ही पैसा है इस रिलेशनशिप में। थैंक यू सो मच गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।